दोस्तों, अगर किसी भी स्टेट को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो लोग जेन्युइन रीज़न से, जेन्युइन नीड की वजह से अपने घरों से बाहर निकले वो सामान वगैरह खरीदने, या जेन्युइन जो भी उनके रीजन्स थे, पर उनके खिलाफ पुलिस वालों ने FIR दर्ज कर दी सेक्शन 188 IPC के अंदर, जो कि बात करता है कि मीन्स अगर आप पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच कर रहे हो, यानी कि लॉकडाउन लगाया, कर्फ्यू लगाया, पर आप उस लॉकडाउन या कर्फ्यू को ब्रीच कर रहे हो। तो इस केसेस के अंदर बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी, जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अनिल देशमुख महाराष्ट्र के, कि ये जो FIR जो दर्ज हुई है लाखों की तादाद में, इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कैंसिल किया जाए। इस बात को कंसिडर करते हुए जो मिस्टर अनिल देशमुख हैं होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने अभी फिलहाल एक रिक्वेस्ट करी है स्टेट गवर्नमेंट से कि ये जो FIR दर्ज हुई हैं 188 IPC के अंदर, इनको रद्द किया जाए। जो FIR हैं ये रद्द कैसे होंगी, विड्रॉ कैसे होंगी, इसके लिए डिस्कशन किया गया है। और इस पर जो मिस्टर राजेंद्र सिंह है, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उन्होंने बताया कि हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि जो टोटल FIR हैं वो कितनी दर्ज हुई हैं। तो जो टोटल FIR हैं वो 3,08,070 FIR हैं 23 मार्च 2020 से लेकर अभी तक की जो FIR हैं वो इतनी हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा कि एक कमेटी बैठेगी जिसमें गवर्नमेंट होगी और बाकी लोग जो कंसर्न होंगे वो लोग होंगे, और डिस्कशन करेंगे कि मीन्स कौन कौन सी जो FIR हैं वो दर्ज करनी है और किस किस तरह से चीज़ें को फॉलोअप करना है। थर्ड स्टेप जो होगा वो कि ये जो FIR दर्ज करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, जो विड्रॉ करनी है जो FIRs उनके स्टेप्स क्या होंगे, और फोर्थ ये है कि जो कंसर्न कोर्ट है जहाँ पर भी ये जो FIR दर्ज की गई हैं वहाँ के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनके थ्रू ये FIR विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की जाएगी। पर क्योंकि जो कोर्ट है उसके पास सोल डिस्क्रिशन है कि वो उस पर अपनी कंसेंट देती है नहीं देती, वो बात की बात है। तो ये सारे स्टेप्स बेसिकली फॉलो किए जाएंगे, और इस तरह से जो भी FIR सेक्शन 188 IPC के अंदर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर दर्ज हुई है, उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि उस जिन लोगों के खिलाफ भी FIR सेक्शन 188 IPC के अंदर दर्ज हुई है उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की ये खबर हो सकती है। धन्यवाद।